विद्या का जन्म पालघाट, केरल, भारत में हुआ था। उनके परिवार में उनके पिता पी आर बालन है, जो ईटीसी चैनल के उपाध्यक्ष हैं, माँ एक गृहिणी और एक बड़ी बहन प्रिया, जिसकी शादी केदार से हुई है। जब विद्या बहुत छोटी थी, तब बालन परिवार अम्बेडकर गार्डन, चेंबूर, बॉम्बे के पास रोड नंबर 11 पर रहने के लिए स्थानांतरित हो गया। उन्होंने सेंट एंथोनी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की और उसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने समाजशास्त्र में डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त की। उन्होंने पृथ्वी थिएटर्स की कार्यशालाओं में अध्ययन और प्रदर्शन भी किया। अधिकांश तमिलयर परिवारों की परंपरा के कारण विद्या और उनकी प्रिया ने अपने बचपन के दिनों में कर्नाटक नृत्य शैली सीखी, लेकिन विद्या ने नृत्य कक्षाएं रविवार की सुबह जल्दी होने के कारण इसे छोड़ दिया, और क्योंकि वह जल्दी उठने में सक्षम नहीं थी। एक तमिल निर्माता द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद निराशा का सामना करते हुए वह फिर भी डटी रही, जब तक कि उन्हें मोहनलाल के साथ मलयालम फिल्म चक्रम में पहला ब्रेक नहीं मिला। हालांकि परियोजना बंद कर दी गई और उन्हें सिर्फ एक्सेल विज्ञापन में डेब्यू करने के लिए 1998 तक इंतजार करना पड़ा। इसके बाद वह प्रदीप सरकार द्वारा निर्देशित कई विज्ञापनों में नजर आईं। उन्होंने ऐसे लगभग 90 विज्ञापन पूरे किए। वह पंकज उधास, यूफोरिया और शुभा मुद्गल के 3 संगीत वीडियो में सहायक भूमिकाओं में दिखाई दी। इसके बाद वह 2 टीवी सीरियल एकता कपूर के हम 5 और अशोक पंडित के हंसते खेलते में भी नजर आईं। 2003 के दौरान उन्हें जॉय सेनगुप्ता के साथ एक बंगाली फिल्म भालो थेको में एक भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। यह परियोजना वर्ष 2006 के दौरान पूरी हुई और काफी हिट रही। फिर 2006 के दौरान मुंबई में एक पॉप कॉन्सर्ट के दौरान विधु विनोद चोपड़ा ने विद्या से परिणीता में मुख्य भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया। इस भूमिका के लिए चुने जाने से पहले उन्हें 17 मेकअप शूट और 40 स्क्रीन टेस्ट से गुजरना पड़ा। इस सारी मेहनत के परिणाम स्वरूप सफलता मिली, क्योंकि परिणीता को इतनी अच्छी प्रतिक्रिया मिली कि तमिल निर्माता, जिसने पहले उन्हें अस्वीकार कर दिया था, ने उन्हें कमल हसन के साथ दशावतारम में प्रदर्शित होने के लिए आमंत्रित किया, और अब विद्या की बारी थी। इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जो अंततः हसन के पास गया। अभिनय के अलावा विद्या बच्चों की किताबों को बढ़ावा देकर युवा भारतीयों की शिक्षा का समर्थन करने में व्यस्त है। जब वह अकेली थी तो वह कभी भी किसी घोटाले में शामिल नहीं हुई थी और दावा करती थी कि उसे महिला और पुरुष दोनों मित्रों का साथ मिलता है। 2012 में उन्होंने प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी की। भगवान श्री साईं बाबा की प्रबल भक्त वह हर गुरुवार को मंदिरों में जाने का निश्चय करती है। वह तमिल, मलयालम, हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली में पारंगत है और उर्दू भी पढ़ सकती है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बॉलीवुड के मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।